देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। देश में कोरोना संकट के मद्देनजर लॉकडाउन है, सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर ख्याल रख रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं आज हम मौजूद हैं राजाजीपुरम के ए ब्लॉक में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के पार्षद राजीव त्रिपाठी जी। आइए बात करते हैं इनसे कि ये ज़रूरतमंद लोगों की किस तरह से सहायता कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसा कि ये लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है और ऐसे में बहुत सारे लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लॉकडाउन अभी मतलब थोड़ी बहुत इसमें छूट दी गई है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप किस तरह से उनकी हेल्प कर रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो मोदी जी के जनता कर्फ्यू से शुरुआत में लोगों ने समझा कि ये शायद दो चार दिन की विषय है, लेकिन जब ये लॉकडाउन बढ़ता गया, चरणबद्ध इसको आगे बढ़ाते गए लोग, सरकारें, और वो बहुत ज़रूरी भी था। उसी की वजह से जो है आज जो भारत में हम लोग काफ़ी कंट्रोल में हैं विश्व को देखते हुए, इसके लिए बहुत आवश्यक था। और रही मदद की बात, तो सरकार ने जो योजनाएं चलाई, जिनके पास राशन कार्ड था उनको राशन की दुकानों पे मुफ्त में राशन भी मिला और अभी भी मिल रहा है। उसके बाद जो काफ़ी लोग छूट गए, हम लोगों ने भी वार्ड में फिर निकल के मेहनत करना शुरू किया, पता किया किसके इसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसके पास नहीं उसका राशन कार्ड बनवाया गया। और हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत और क्षेत्र के लोगों के सहयोग से कम हम लोगों ने 300 से 400 परिवारों को महीने महीने भर का राशन दिया। और हमारे नगर निगम द्वारा कम्युनिटी किचन चलाया गया, जिससे हम लोगों ने हजारों लोगों को जो है भोजन उपलब्ध कराया, बना हुआ पका हुआ भोजन उन लोगों को उपलब्ध कराया। इससे सब लोगों ने मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ा है और आशा है कि अब हम लोग विजय की ओर बढ़ेंगे। हाँ, अभी कुछ थोड़े से केस में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि कुछ लोग जो है बाहर से प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं। अब हम लोगों का फोकस ये है वार्ड स्तर पर कि जो बाहर से लोग आते हैं, हम लोग उसकी निगरानी रखते हैं, उनको यहाँ पे होम क्वारंटीन कराया जा रहा है, जिससे ये संक्रमण और ज़्यादा ना फैले। तो जैसा कि अभी आपने कहा था कि राशन को लेके कि उसमें राशन सबको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उसमें कितनी पारदर्शिता है? क्योंकि बहुत सारी जगह से ऐसी शिकायतें भी लोगों की आ रही हैं कि राशन उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोटेदार राशन इसलिए नहीं दे रहे कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, जबकि सरकार ने ऐसा आदेश दिया है कि जिसके पास राशन कार्ड हो ना हो उसको राशन दिया जाए। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, सरकार ने आदेश दिया, उसके बाद नए राशन कार्ड बने। इन 2 महीनों के अंदर इस राजीपुरम क्षेत्र में, जिसमें 4 वार्ड आते हैं, कम से कम 5,000 नए राशन कार्ड बने। और युद्ध स्तर पर पहले राशन कार्ड की प्रक्रिया बहुत लंबी थी, लेकिन अब 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर राशन कार्ड बन के आ जा रहा है, तो राशन तो मिल रहा है। हाँ, शुरुआत में दिक्कत आई, क्योंकि भाई एक व्यवस्था थी जिसको एकदम से नए रूप में लाने में थोड़ी तो दिक्कत कठिनाई हुई, लेकिन वह काफ़ी हद तक उसको जो है सॉल्व कर लिया गया है। और जो लोग नहीं पा पाए राशन की दुकान से, उनको माननीय सांसद जी ने, हमारे राजनाथ जी के यहाँ से काफ़ी राहत सामग्री आई, जो हम लोगों ने वार्ड में लोगों को पूछ पूछ के दी गई, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको पहुँचाई उन तक। उसके बाद हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी पैकेट बनवाए बटवाए, अभी भी देखिए हमारे कार्यालय में तमाम राशन सामग्री रखी हुई है। कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसको कोई भोजन सामग्री की इस प्रकार की कोई दिक्कत है, तो उसको तुरंत हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि कोरोना काल में ऐसी भी तस्वीरें सामने आई प्रवासी मजदूरों की पलायन करते हुए, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो थी वो थी साधन की, लेकिन ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस राजनीति करने में लग गई, तो इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ये आपको राजनीति राजनीति देखिए, अगर मैं अगर मदद करने के लिए निकल रहा हूँ, जैसे कांग्रेस की मंशा जो उन्होंने बताई कि मेरी मंशा मदद करने की है, तो बहुत अच्छी बात है। मदद के लिए हम सब लोग स्वतंत्र हैं और खुल के मदद करनी भी चाहिए। ऐसे समय में कोई भी पार्टी विशेष की कोई राजनीति की बात ही नहीं है, इसमें मदद करने का बिल्कुल विषय। हम ये हमारा एक अपना मानना है कि अगर वो 1,000 बसें यूपी गवर्नमेंट को दे सकते हैं, तो वो बसें क्या भर के नहीं आ सकती थी? वो अपने जिन प्रदेशों में उनकी सरकार है, राजस्थान में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर इन्हीं राज्यों से उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं, तो क्या वो बसें वहाँ से अगर भर के आई होती तो उसका विषय दूसरा होता। कोई सरकार के अपने मजदूरों को बॉर्डर के अंदर लेने से रोक सकती थी, लेकिन खाली राजनीति करना कि मेरे हमने 1,000 बसें खड़ी करा दी, अरे वही 1,000 बसें आप महाराष्ट्र में लगा के उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को उत्तर प्रदेश में लाती, तो हम लोग खुद आगे बढ़ के उनको फूल मालाओं से उनका स्वागत करते। लेकिन उनको राजनीति जब करनी थी, तो राजनीति करने की, जब आप राजनीति करेंगे तो आपको बदले में राजनीति ही मिलेगी, ये राजनीति का स्वभाव है। आपको अगर मदद करनी है तो आप खुल के मदद करिए, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप आज भी स्वतंत्र हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आप वहाँ बसें लगाइए, वहाँ से प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं
राजस्थान से जो आ रहे हैं उसको आप वहाँ बैठा लिए। अभी जैसे हमने टीवी के माध्यम से सुना था, वहाँ कई ड्राइवरों से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप भरतपुर से वो 350 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं। उनसे पूछा गया कि आप बस भर के लाएँ कि खाली लाएँ, तो पता चला कि वो खाली बस लेके आए। तो अगर मदद ही करनी तो 350 किलोमीटर में उनको सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ा। अगर मनसा उनकी मदद की थी तो वहीं से वो मजदूरों को बैठा लेते और यहाँ ला के बॉर्डर पर खड़े करते। अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार रोकती तो ये हम लोग खुद उसकी निंदा करते, लेकिन वो ऐसा नहीं था। उनकी मनसा ही राजनीति की थी तो वो राजनीति उसको फलस्वरूप उनको प्राप्त हुई। और जो उन्होंने लिस्ट दी, भाई अगर आप सरकार से किसी चीज़ की परमिशन मांगेंगे तो सरकार फिर अपनी पूरी विधिक कार्रवाई के साथ उसकी परमिशन देती है। और आप अगर आप जैसे जो है आप अभी सोच लें कि मैं यहाँ पर भोजन बांटना चाहती हूँ और इस, तो आपको कौन रोक रहा है, आप बांटिए। लेकिन जो नियमों का पालन है वो तो आपको करना पड़ेगा। उन नियमों के तहत सूची मांगी गई, सूची में चीज़ें गलत निकली, उसके बाद उसकी राजनीति हुई। इसमें और कोई विषय नहीं, मेरे हिसाब से वो उनकी मदद करने की मंशा नहीं थी कांग्रेस की। सर एक मतलब विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया है कि जो COVID-19 में फंड में पैसे आ रहे हैं उसकी डिटेल साझा करे सरकार, इस पर क्या कहना है आपका? किसमें पैसे आ रहे हैं COVID-19 जो PM फंड केयर फंड में पैसे आ रहे हैं सर उसमें? हाँ बिल्कुल साझा, अगर मांग रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री उनको दे भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समय हिसाब किताब मांगेंगे नहीं है, ये समय आगे बढ़ के काम करने का। अगर आप यही समय हिसाब किताब मांगेंगे, आज तक PM केयर फंड तो आज से चल नहीं रहा है, ये तो देश आज़ाद हुआ है, प्रधान जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तब से ही बना हुआ है फंड, तो तब से आज तक का हिसाब मांगा जाए। हिसाब उसके बावजूद हम कह रहे हैं आप पिछला हिसाब मत दीजिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री वो बहुत निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, वो हिसाब भी दे देंगे, उसमें कोई हम लोगों को दिक्कत नहीं है। उन पर हम लोग तनिक भी शंका नहीं है कि उन्होंने उसका कहीं दुरुपयोग किया होगा। सर अपने एरिए में आपने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए अभी तक इस संकट की घड़ी में? सर सुरक्षा के इंतजाम क्या किए हैं आपने? नहीं देखिए, हमारे क्षेत्र में हम लोग इस लॉकडाउन में ऐसे हम लोग कार्यालय पर 2-3 घंटे सुबह या शाम को 1-2 घंटे बैठना होता, लेकिन जब से ये कोरोना काल स्टार्ट हुआ है हम लोगों ने प्रतिदिन 8-10 घंटा यहाँ पर हम लोग रहे और लोगों से बराबर संपर्क में रहे। हम लोगों की पॉकेट वाइज कमेटी बनी हुई है, हर कमेटी से रेगुलर बात करते हैं हम लोग कि कोई ऐसा विषय हो जो जहाँ कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा हो, कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तुरंत हम लोगों ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद उस पर कार्रवाई भी हुई है। सैनिटाइजेशन वगैरह कितनी बार करवाया? सैनिटाइजेशन हम लोग ये हमारे वार्ड में, मैं अपने वार्ड की बता सकता हूँ आपको, पूरे वार्ड पर मैंने तीन बार पूरा वार्ड मैंने एक एक घर करा दिया है। और फिर भी अभी कोई आवश्यकता कहीं पता चलती है तो उसके बाद जैसे भी बीच में हमारे यहाँ रानी लक्ष्मी अस्पताल हमारे वार्ड में है, उसमें बीच में एक मरीज की रिपोर्ट आई थी कि ये पेशेंट आया है, तो हम लोगों ने पूरा रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल 2-2 बार सैनिटाइज कराया। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया कंटिन्यू जारी है और जारी रहेगी जब तक ये संकट समाप्त नहीं हो जाता। तो ये थे हमारे साथ BJP के पार्षद राजीव त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने सभी सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में सभी लोग अपना मिल के सहयोग दें और ये इस संकट की घड़ी में अपने वार्ड में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मनु तिवारी, Alive24 न्यूज़, लखनऊ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।